जय हिंद जय कर्नाटका मेरे दोस्तों। तो आज मैं आपको ले आया हूँ अपने साथ बढ़िया जवार रोटी मील्स खिलाने और मीठे में होली के ओबट्टू खिलाने। बसवेश्वरा खाना वाली पॉपुलरली नोन एज नॉर्थ कर्नाटका फूड बेंगलोर में हर जगह अवेलेबल है। ये पॉपुलर है नॉर्थ कर्नाटका के रीजन से, जैसे कि हुबली धारवाड़ वो सारे रीजन जहाँ रहते हैं। अब ये खाना बहुत ही सिंपल एकदम क्लीन स्टाइल में देसी स्टाइल नाटी स्टाइल में प्रिपेयर होता है और आपको सर्व किया जाता है। हर चीज़ एकदम फ्रेश रहती है और इसमें स्पेशली मिलेट्स का आपको बहुत ज़्यादा यूज़ देखेगा, जैसे कि जवार रोटी रागी रोटी ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। मैं आया था कोरमंगला में 80 फीट रोड में जो बसवेश्वरा खाना वाली है, एकदम सिंपल मॉडेस्ट सी जगह है दोस्तों, और 100 रुपीज़ में मैंने यहाँ पर इतना खाना खा लिया कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा दिल खुश हो गया। भैया यहाँ पे बहुत अच्छे थे, वो मेरे को अंदर लेके अपने किचन में कैसे बनता है सिंपल वे में यहाँ पे नाटी स्टाइल में खाना वो भी मुझे दिखाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा नॉर्थ कर्नाटक फूड होता है, ये मिलेट का फूड होता है एकदम। आपको डेली एक वेजिटेबल रहेगा, एक कालो तो वो मिलेगा, बाद में डेली राइस, हमारा लेमन राइस, व्हाइट राइस, होम मेड फूड रहेगा एवरीडे। डेली सब्जी चेंज होते रहेगा, और जवार मिलेगा, और आलू परोठा, और कोलमपुरी मिलेगा, सब्जी ऐसा मिलेगा। ये हमारे ये होम मेड है, देखो। अच्छा, तो ये ऐसे आप चपाती बनाते हैं? चपाती ऐसे बनाते हैं। ओके, ये चपाती का ये स्टाइल है। ओके, हमारा ये रेडमिन चपाती नहीं रहता है, हमारे इधर ही बनाते हैं, देखो। ओके, नमक। हाँ, प्योर व्हीट का है, मैदा नहीं मिक्स है, जीरो मैदा है, जीरो प्योर व्हीट का है सब चपाती। ये हमारा ये कोलमपुरी है, और गुड़ और दाल का ही बनाते हैं। इसमें गुड़ है और दाल है? दाल है, ये है, ये भी है, व्हीट का है, ये इसमें भी है। हाँ, ये थोड़ा स्वीट हो गया, स्वीट हो गया, कोलमपुरी कोलमपुरी बोलते हैं इसको, ये ऐसा बनाते हैं। अच्छा, देखो ऐसा भर के ऐसा करके ना, देखो ये कोलमपुरी बना स्टेज, ये बन रहा है कोलमपुरी बना। इसी को होली के भी बोलते हैं? होली के भी बोलते हैं कन्नड़ में, कोलमपुरी ज़्यादा हिंदी में बोलते हैं ना। अच्छा, हिंदी में कोलमपुरी, कन्नड़ में होली के, होली के, होली के, नहीं दाल वापर, दाल होली, दाल होली। ओके, पटना। ये देखो ऐसे लेता है अन्ने में, दो तीन मिनट में बनता है, लेकिन ये बना के रखता पहले। हाँ, वो ये हमारा जो है ना मसाला, ये बना के रखता है। अच्छा, ये मसाला रेडी है? हाँ, रेडी है मसाला, मतलब बीच में गुड़ और दाल है बस। ओके, और इलायची है, शुगर नहीं यूज करते? शुगर नहीं, और गुड़ है प्योर। ओके, ये खाने से हीट कम होता है। अच्छा, हीट कम रहती है? हाँ, कम होता है। पूरे ले दो, डेढ़ दो देखो, प्योर है, ये हो गए, हाँ रेडी हो गए, प्योर रेडी हो गए। एक साथ घी डाल के साथ खा सकते हैं, घी लगा के, हाँ खा सकते हैं। आलू मसाले सब बनाए हैं, ये दिल्ली का साइड पे बना सकते हैं, महाराष्ट्र का भी बना सकते हैं, हाई लेस बनाता है हमारा फूड जो भी है ना। कट में ये घी भी चाहिए तो वो लोग को, कस्टमर हमारा कस्टमर को घी में चाहिए तो घी में, और तेल में चाहिए तो तेल में बनाए। हाँ, चॉइस है। हाँ, ये आलू पराठा है, देखो कितना ही ऑयल यूज करते हैं हम, एकदम जीरो ऑयल, और मसाला भी कम यूज करते हैं खाने में, सब खाने में। आलू पराठा बन रहा है, ये आपको ये पराठा 30 में आएगा, 30 रुपये में एक पराठा, 60 में दो आएगा, उसके साथ में दही पिकल और चटनी आएगा, जो भी आप चॉइस करके कुछ भी ले सकते हैं। पेट भर जाएगा? हाँ, पेट, दो पराठा खाने से पेट भर जाएगा। हाँ, प्योर होम मेड है। जवा रोटी मिल, चपाती, चपाती मिल सर, कोबट मिल, आलू पराठा मिल, राइस सांभर, चितरना, पुलगरे, सब आएगा सर, ये सारा आता है। हाँ, क्या क्या आइटम है सब, ये क्या क्या नाम है सब, ये चटनी है, ये दही है, ये चटनी है सर, चटनी है, ये सब्जी है, दोनों सब्जी है। कौन सा सब्जी है ये? अवरे के बोलते हैं सर, अवरे के लिए, अवरे के लिए, ये चना का, चने का। ये आइटम सांभर, दाल सांभर, दाल सांभर। और ये है हमारा चित्राना, लेमन राइस, लेमन राइस। ओके ओके, लेमन राइस। हाँ ठीक है सर, एक जवार रोटी मील लगा दीजिए मेरे लिए। हाँ, खाली। हाँ सर, दो रोटी आएगा सर, एक जवार रोटी मील में। ओके, दो सब्जी, डेली एक एक सब्जी बनाता है, डेली एवरीडे एक ये वेजिटेबल का होता है, एक ये वाला मिलेट वाला, डेली एक क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन पीस है आज। ओके, ये भी आएगा, ये ग्रीन पीस है।
इसका साथ में आपको चटनी आएगा और राइस पालता हूँ मरम्मा, ये चटनी एक आएगा, हाँ कोकोनट चटनी, और डेली एक एक तरह चटनी बनाता है उसका, आपका सलाद आएगा बाद में, क्या है राइस सांभर बटल तो बनवा लिया, ये रईस सांभर आता है, रईस और इसके साथ सांभर भी आता है और पापड़, ये जवान रोटी मिल हो गए एकदम, अब पिकल और पूरी चटनी आपको और मिलेगा। अच्छा वो खाते हैं बाद में, छाछ छाछ चाहिए तो छाछ। इसमें ये थाली में जो है ना आपको लेमन राइस, वाइट राइस, टोमेटो राइस और कर्ड राइस जो भी जो आपको चाहिए तो वो ले सकते हैं, हाँ चार पाँच राइस रहेगा हमारा फर्स्ट डेली, बाद में ये रोटी नहीं चाहिए तो और गेहूँ का रोटी भी मिलेगा, गेहूँ का रोटी आपको एक बार देते गेहूँ का रोटी ऐसा है, ये बनाना भी, हाँ वीट चपाती है वो जवार का है, आपको बनाना भी दिखाते हैं बने, ये राइस सांभर आ गया, राइस सांभर के साथ राइस सांभर और दो सब्जी, अगर कोई राइस वाला मिल जाएगा तो उसके लिए, हाँ इसके लिए, हाँ ओनली राइस 40 रुपये में है, हाँ ये 40 रुपये में ये सब मिला के, फोर्टी रुपीज में इसका, ये भी आता है पिकल भी है, राइस बोलेगा तो 50 का, अगर कट राइस लेते हैं तो 50 ये खाली 50 में कट राइस आएगा आपको। ओके ओके, तो दोस्तों ये आ गया है मेरा जवार रोटी मील यहाँ पे, ये रही जवार रोटी, अनियन साथ में चटनी और ये दो सब्जी जो इन्होंने दी हैं जो चेंज होती रहती हैं, और साथ में आपको मिलेगा पापड़ और आपको मिलेगा राइस। अब आप मुझे बताओ यार 80 रुपये में इतना खाना कौन देगा, और ये सब जो आप देख रहे हो ये चीज़ें आप रिफ़िल भी करवा सकते हैं इनसे, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिफ़िल करके देंगे, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई, पर मुझे तो लग नहीं था कि इतना खाना हम खा पाएंगे आराम से। ठीक है दोस्तों, खा के देखते हैं थोड़ी सी जवार रोटी, मेरे को एक्चुअली बहुत पसंद है, थोड़ा सा सब्जी में इसको लगाते हैं फटाफट डिप करके चटनी में, चटनी में और अब हम इसे खाते हैं। भाई लाजवाब टेस्ट है, लाजवाब टेस्ट जिसे बोलते हैं इस चीज़ का, और ये क्रिस्पी क्रिस्पी पापड़ भी साथ में आप इंजॉय ज़रूर करना, एकदम घर जैसा क्लीन प्योर, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही पैलेटेबल जैसे कहते हैं खाना लग रहा है। तो अगर बैंगलोर आ रहे हो और बैंगलोर आके आपने नॉर्थ कर्नाटक का मील नहीं खाया तो क्या ही खाया यार। अब थोड़ा सा राइस भी ले लेते हैं यार, बहुत ही टेस्टी और बढ़िया खाना जिसे कहते हैं दोस्तों ये है, और मुझे ऐसा लग रहा है सब्ज़ी थोड़ी सी कम है, हमको ये सब कुछ इसमें जो है मिक्स करके खाना है, तो ये खाना आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंदर जाके थोड़ी सी सब्जी इसमें डलवा के लाता हूँ साथ में, है ना सुलपा सब्जी सांभर भी, अब सुलपा सांभर सांभर भी मिल गया हमको, चटनी लोग। गाइस फिर से हमारी प्लेट भर गई है, अब इसमें गरम गरम सांभर भी ले लिया है, चटनी भी ले लिया है मैंने, सब्जी भी मैंने और ले ली है, तो अब ये सारा का सारा मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, बट मैं आपको बताता हूँ आप क्या करो, इसको लेके राइस जो आपने मिक्स करा हुआ है ना थोड़ी सी चटनी में इसको डिप करो और उसके बाद आप इसे खा के देखो आपको कैसा लगता है। भाई सच बता रहा हूँ स्वाद आ गया है खाने का, जवार रोटी, राइस, चटनी और साथ में जो सांभर इन्होंने दिया है, एकदम फुल मील 80 रुपये में, कौन इतना आपको खिलाएगा भर भर के मुझे बताओ। और दोस्तों अंदर भैया ने साथ में थोड़ा सा बटर मिल्क भी दे दिया है, ये मील्स के साथ में तो नहीं आता है बट अलग से आता है, क्या कॉस्ट है ओनली 10 रुपीज़, क्या यार मतलब इतने कम पैसे में इतना अच्छा खाना शायद ही मैंने अभी तक कहीं खाया हो, 10/10 भाई, बसवेश्वरा खाना वाली 10/10। वाह मज़ा आ गया, खाना ख़त्म करके थोड़ा सा बटर मिल्क पी लो, खाना आपका एकदम से डाइजेस्ट हो जाएगा ऐसा लग रहा है। ये आ गया और की प्योर नंदिनी की रहेगा, हाँ हाँ इसको इसमें लगा के खाना है, हाँ लगा के खाना है जी, जी। अच्छा इसमें थोड़ा सा घी लगाया हमने फिर हमने खा लिया जी, ओके ऐसे खा सकते हैं, ऐसे खा, ऐसे खा।
बस भैया बस मज़ा आ गया घी देख के। तो दोस्तों ये है ओबट्टू, जो स्वीट डिश है आपको अंदर दिखाई थी हमने बनते हुए, और अब ये हमारी क्लोजिंग डिश है आज की। आप जैगरी फील कर सकते हैं, गुड़ जो इसमें अंदर डाला हुआ है, वीट है, इसका मतलब ये एक तरीके से आपकी हेल्दी स्वीट डिश है अगर देखा जाए तो। और घी लगा के अगर आप देखें तो घी में बिल्कुल भी इन्होंने कंजूसी नहीं की है, अच्छे से भैया भर भर के इन्होंने घी लगा के दिया है इसके अंदर। ओ हो हो हो, ये स्वीट डिश खा के आपको सच में मज़ा आ जाएगा, बहुत ही अच्छी लग रही है मेरे को, एंड एट द सेम टाइम गर्म भी है। माधव अन्ना मज़ा आ गया खा के, बहुत ही अच्छा खाना है। ऊटा रुचिरा आगे दे, तुम्बा चना के दे फूड, तुम्बा चना के दे, थैंक यू सो मच। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके फॉलो ज़रूर करना, ताकि हर मंडे 10 बजे जो वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आपको मिल जाए। अब चलते हैं घर, आज खाया है भरपेट खाना, बहुत ही अच्छा। तो जब भी आप कर्नाटका आना, नॉर्थ कर्नाटका मील ज़रूर खाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।